हेलो फ्रेंड, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल मेहंदी है रचने वाली में फाइनली मंदार का जो ड्रामा है वो खत्म हो चुका है। शारदा को होश आ जाता है और वही पल्लवी की जान बचाने वाली है। राघव और पल्लवी का सच मंदार के सामने जैसे ही आता है कि ये दोनों ही मिलकर उसका भांडा फोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पल्लवी उसके साथ में प्यार का ड्रामा कर रही थी। मंदार के सामने जैसे ये सच आता है वो बौखला जाता है और पल्लवी और राघव को साथ देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और पल्लवी को पाने के लिए और उसका धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता और पल्लवी पर ही वार कर देता है और राघव और मंदार के बीच में बड़ा झगड़ा होता है। पल्लवी के ऊपर वार करने वाला होता है मंदार, उसकी जान लेने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच शारदा को सही हो जाती है शारदा और वो बोलना शुरू कर देती है इतना पैनिक होने की वजह से, और वो पल्लवी को बचाने के लिए तड़प उठती है और फाइनली उसके मुँह से आवाज़ निकलती है मंदार को के लिए और वो जोर से चिल्लाती है और इसे देखकर सब घरवाले शॉक्ड हो जाते हैं। और शारदा यहाँ पर घरवालों को पूरा राज बताने वाली है कि मंदार ने किस तरह से उसके सामने सचाने के बाद उसे मारने की कोशिश की थी। और बेचारी शारदा की इस तरह से बातें सुनकर सच सुनकर घर वालों को विजय को तगड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, विजय जो कि अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है और पल्लवी को राघव से दूर करने तक का डिसीजन ले चुका था और उसके लिए तो मंदार ही सच्चा था, लेकिन जब उसका असली चेहरा सामने आएगा विजय अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा और फूट पड़ेगा उसका गुस्सा मंदार पर और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने वाला है। मंदार उस पर भी वार करेगा लेकिन यहाँ पर राघव और पल्लवी उसे बचा लेते हैं और फाइनली विजय को बहुत तगड़ा झटका लगता है कि जिस बेटे को जो कि उसका सगा बेटा है वो उसे पीट रहा है जबकि राघव उससे किस तरह से बचा रहा है। तो यहाँ पर राघव पल्लवी से विजय माफ़ी भी मांगेगा और उसकी जो भी गलतियाँ हैं मंदार की और खुद की उसके लिए माफ़ी मांगेगा और फाइनली राघव और पल्लवी एक हो जाने वाले हैं और मंदार को जेल की सजा होगी क्योंकि शारदा उसके खिलाफ बयान भी देती है। तो यहाँ पर शारदा को जैसे ही सब कुछ शारदा ठीक कर देगी और यहाँ पर मंदार का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और राघव और पल्लवी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।